के आम आदमी पार्टी कांग्रेस में सीटों पर सहमति बन गई है, ऐलान हो गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी और कांग्रेस 3 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। गुजरात में अगर बात करें तो कांग्रेस को 24 सीटें जिस पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी। हरियाणा राज्य की बात करें तो 9 पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है, यानी 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी। तो ये 3 राज्यों की स्थिति काफी हद तक साफ हो गई है, जिसमें दिल्ली शामिल है, गुजरात और हरियाणा। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन पर मोहर लग गई है। 2024 के लिए दोनों पार्टियां 5 राज्यों में एक साथ मैदान में होंगी। दोनों पार्टियों में सीट को लेकर जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक दिल्ली में कांग्रेस 3 और आप 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में 9 सीट पर कांग्रेस, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी। गुजरात में 24 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आप चुनाव लड़ेगी। गोवा की दोनों लोकसभा सीट पर कांग्रेस होगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ेगी। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं, आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। वो 4 सीटें नई दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी, चांदनी चौक, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। हालांकि पंजाब पर बात नहीं बनने के कारण सवाल उठ रहे हैं। दोनों पार्टियों ने बताया कि परिस्थितियों को देखते हुए यह फैसला लिया गया। और वहीं गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तय हो गया है कितनी सीट पर कौन लड़ेगा, और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में आप देखिए, भरोसे आम आदमी पार्टी को देने से मुमताज पटेल नाराज हो गए। अहमद पटेल की बेटी मुमताज ने कार्यकर्ताओं से माफी मांगी है, भरूच सीट नहीं बचा पाने के लिए माफी। मुमताज पटेल की तरफ से कहा गया, 45 साल की विरासत व्यर्थ चली गई, मुमताज पटेल हम ऐसा नहीं होने देंगे, मुमताज पटेल की तरफ से कहा गया है। यह आपको बता दें कि भरूच और भावनगर सीट ये दोनों आम आदमी पार्टी के खाते में गई। और वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन को लेकर जयराम रमेश ने कहा है कि समय लगा लेकिन आखिर में समझौता हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी से भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। तो बार बार ये कहा जाता था कि कांग्रेस पार्टी सुस्त है, सोई हुई है, वो इंटरेस्टेड नहीं है, दिलचस्पी नहीं दिखा रही है गठबंधन में। हमेशा कहा करता था यह समय लगता है अंतिम रूप देने में। और देखिए, ये पार्टियों के साथ हम विधानसभा में लड़ रहे हैं, हमारा मुकाबला इन पार्टियों के साथ है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमने इंडिया गठबंधन बनाया है। तो कुछ समय लगा पर हो गया है। सब अपने अपने उनके सपने हैं, वो उन सपनों को देख रहे हैं, तो इसलिए तालमेल का और कहीं गुंजाइश नहीं है। तो एक प्रदेशों में कुछ तालमेल की सूचना आ रही, लेकिन वो भी चुनाव आते आते बिल्कुल दरक जाएंगी और वोटर इस गठबंधन को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा, मोदी जी 400 के पार आएंगे। और 2 दिनों के ब्रेक के बाद आज फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी न्याय यात्रा पर हैं। मुरादाबाद में उनकी यात्रा में आज प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। राहुल की न्याय यात्रा का आज 42वां दिन है। यूपी के मुरादाबाद पहुंची राहुल गांधी की न्याय यात्रा में आज प्रियंका गांधी भी शामिल हो गईं। खुली जीप में राहुल और प्रियंका का कारवां निकला और जगह जगह उनका स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों नेताओं ने जनता का अभिवादन किया। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आए। मध्य प्रदेश में दाखिल होने से पहले ये यात्रा यूपी के कई शहरों में जाएगी। आगरा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी इस यात्रा में शामिल होने की पूरी उम्मीद है और कांग्रेस उनके स्वागत के लिए तैयार है। मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल 25 तारीख को संभल से शुरुआत होगी, संभल, अलीगढ़, हथरस और बाद में हम आगरा पहुँचेंगे, जहाँ हम उम्मीद करते हैं अखिलेश जी भी मौजूद होंगे। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आगरा से धौलपुर होते हुए एमपी के मुरैना में दाखिल हो जाएगी।
धौलपुर में राहुल की यात्रा को 26 फरवरी से 1 मार्च तक विराम दिया जाएगा। उसके बाद यात्रा की शुरुआत मध्य प्रदेश से होगी। राहुल गांधी 5 मार्च को एक बार फिर से उज्जैन में होंगे, जहां पर वो महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, मुरादाबाद न्याय यात्रा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है तो सबसे पहला काम नफरत को मिटाने का है, भाई को भाई से गले मिलाने का है, यह सबसे पहला काम है। देशभक्त देश को जोड़ता है, देशभक्त देश को तोड़ता नहीं है। देशभक्त मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, नफरत के बाजार नहीं चलाते हैं। यह मेरा आपके लिए मैसेज है। आप जो भी करते हो करो, मगर सबसे पहले एक बात समझ लो, नफरत को नफरत से नहीं काटा जा सकता। कभी आपने देखा है कि नफरत से नफरत कट गई? जोर से बोलो, देखा है? नफरत मोहब्बत से कटती है। इधर राज्यसभा की 56 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है, और उससे पहले ही उत्तर प्रदेश बीजेपी में हलचल बहुत तेज हो गई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए 27 फरवरी को मतदान होना है। चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को शाम 5 बजे तक लखनऊ पहुंचने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बीजेपी को आश्वासन दे दिया है कि वो बीजेपी उम्मीदवार का साथ देंगे। वहीं इसके बदले में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राजा भैया की पार्टी के दावे पर विचार करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि राज्यसभा की 56 सीटों में से 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं, बाकी 15 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने 8 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को एक बार फिर से उम्मीदवार घोषित किया है। एक नजर डालें उन सीटों पर जहां मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की 10 सीट, कर्नाटक की 4 और हिमाचल प्रदेश की 1 सीट के लिए 27 फरवरी को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे शुरू होगी। दिल्ली में लोकसभा चुनाव पर बीजेपी का मंथन जारी है। बड़ी खबर है, चुनाव प्रभारी सह प्रभारी की मीटिंग चल रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी इस मीटिंग में मौजूद हैं और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। दिल्ली पार्टी मुख्यालय में बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, महामंत्री सुनील बंसल, विनोद तावड़े समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। इस बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी प्रदेश में चल रहे सरकारी अभियानों और योजनाओं की रिपोर्ट के साथ पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि सारी कवायद बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें हासिल करने को लेकर की जा रही है। पीएम मोदी ने अपने वाराणसी दौरे के बीच रोड शो और जनसभाओं में एनडीए के 400 सीटों का संकल्प दोहराया है। यूपी ने भी सारी सीटें मोदी को देने का निर्णय किया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी गठबंधन पर भी हमला किया। हर चुनाव के दौरान साथ आते हैं और जब परिणाम नील बटा सन्नाटा आता है तो ये एक दूसरे को गाली देते हुए अलग हो जाते हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए के लिए वोटरों को एकजुट रखने की भी कोशिश की है। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। और पीएम मोदी ने आज सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख योजनाओं की शुरुआत की। पीएम ने कहा कि इससे कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने और उसे आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने देश के किसानों और कृषि विकास को लेकर सहकारिता को अहम बताया। उन्होंने दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम में आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज स्कीम
यानी भंडारण स्कीम की शुरुआत की। इसके तहत देश के कोने कोने में हजारों वेयर हाउसेस बनाए जाएंगे, हजारों गोदाम बनाए जाएंगे। आज 18,000 पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का बड़ा काम भी पूरा हुआ है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र को लगभग 125 साल के बाद नया जीवन मिला है। 2024 तक सभी पैक्स कंप्यूटराइज्ड हो जाएंगे और 2027 तक 100% भंडारण क्षमता हासिल हो जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था के कायाकल्प का प्रामाणिक तरीका है। 25 फरवरी यानी कल प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर गुजरात दौरे पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान मोदी ओखा में तैयार सुदर्शन सेतु देशवासियों को समर्पित करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। यही है वो सुदर्शन पुल, विहंगम और विराट और अद्भुत अद्वितीय नजारा पेश कर रहा है। लगभग 980 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए इस पुल का लोकार्पण कल पीएम नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। सुदर्शन पुल देश का सबसे लंबा पुल है। इसकी लंबाई लगभग 2.32 किलोमीटर है। पुल के दोनों तरफ श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की छवियों से सजा हुआ फुटपाथ है। इसमें फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर सौर पैनल भी लगाए गए हैं, जिससे 1 मेगावाट बिजली पैदा होती है। रात का नजारा देखिए, कैसी सुंदरता बिखरती है इस पुल पर। द्वारका और बेट द्वारका के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। पुल के निर्माण से पहले तीर्थयात्रियों को बेट द्वारका तक पहुंचने के लिए नाव पर निर्भर रहना पड़ता था। अब इस पुल से देवभूमि द्वारका पहुंच सकेंगे। पर्यटकों के लिए ये बड़े आकर्षण का भी काम करेगा। गुजरात दौरे में पीएम मोदी जामनगर, द्वारका और पोरबंदर में 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राजकोट में एम्स का भी उद्घाटन करेंगे। और देखिए, बात करते हैं असम की। लोकसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया है। हेमंता सरकार अब राज्य में स्पेशल मैरिज एक्ट लाई। उत्तराखंड के बाद अब असम सरकार ने समान नागरिक कानून की तरफ पहला कदम बढ़ा दिया है। असम में मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म करने का फैसला लिया गया है। सीएम हेमंता विश्व शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। सरकार की दलील है कि इसके बाद बाल विवाह पर रोक लगेगी। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद सीएम हेमंता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 23 फरवरी 2024 को असम कैबिनेट ने सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे। यह कदम असम में बाल विवाह पर रोक लगाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। असम के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने कहा कि एक्ट ब्रिटिश काल से चल रहा था, इसलिए इसको खत्म किया गया। बाल विवाह को रोकने में अहम कदम है ये। अब इस एक्ट के तहत कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है। उसी एक्ट के तहत मामला सुलझाए जाएंगे। मुस्लिम विवाह और तलाक के रजिस्टर के मुद्दे का अधिकार जिला आयुक्त और जिला रजिस्ट्रार को होगा। असम सरकार के फैसले के बाद राजनीति शुरू हो गई है। AIUDF ने हेमंता सरकार पर असम में मुस्लिमों को परेशान करने का आरोप लगाया है। असम सरकार के फैसले के बाद AIUDF ने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में ही नहीं है, दूसरे धर्मों में भी है, इसलिए सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाना सही नहीं है। असम सरकार को बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए। देखिए, इस सरकार को UCC लाने की हिम्मत नहीं है। UCC नहीं ला सकते। जो उत्तराखंड में जो भी UCC लाए, वो कहाँ UCC है। असम सरकार के फैसले को समाजवादी पार्टी के सांसद ST हसन ने चुनावी स्टंट बताते हुए हेमंता सरकार पर हमला किया। जो टारगेट है वो मुसलमान है। मुस्लिम मैरिज एक्ट खत्म कर दिया और बाकी हिंदू मैरिज एक्ट का क्या करा? आदिवासियों के लिए क्या करा? सिख्स के लिए क्या करा? ये इस्लाम के अंदर मदाखलत कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्नाटक विधान परिषद ने हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम में संशोधनों को खारिज कर दिया है। इस पर VHP ने खुशी जाहिर की।
कर्नाटक विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया सरकार मंदिर पर टैक्स लगाने को लेकर विवादों में घिरी है। बजट सत्र के दौरान निचले सदन में उसने कर्नाटक हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक 2024 में बदलाव करते हुए मंदिरों पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे उच्च सदन ने खारिज कर दिया। इस पर विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता इससे जाहिर हो गई है। अगर आप सेकुलर कहते हैं अपने आप को, तो आखिरकार मस्जिद मजार और चर्च क्यों छोड़ दिए? उनका वेलफेयर ध्यान में नहीं आता आपको? उनको भी टैक्स लगाइए, उनको भी दीजिए, लेकिन नहीं, वो तो आप अपने जनरल पूल फंड से दोगे आप, और मंदिरों से टैक्स वसूल करके जनरल पूल फंड में डालोगे, ये नहीं चलने वाला। नया बिल बुधवार को कर्नाटक विधानसभा में पेश किया गया था, जिसके मुताबिक कहा जा रहा था कि नए बिल के अनुसार दूसरे धर्म के व्यक्ति भी किसी मंदिर के प्रबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। बीजेपी ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर आरोप लगाया था कि वो राज्य के खजाने को खाली कर चुके हैं और अब मंदिरों के खजाने पर उनकी नजर है। और पाकिस्तान से आए फोन के जरिए श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के पक्षकार को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी के पीछे क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। भृगुवंशी आशुतोष पांडे श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण ट्रस्ट के पक्षकार हैं। उनके मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह के मुकदमे की तारीख के बाद मथुरा वापस लौट रहे थे। फतेहपुर के पास उनके फोन पर पाकिस्तान के नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया। कॉल करने वाले ने उन्हें बम से उड़ाने की धमकी दी। आशुतोष पांडे ने सदर कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज की है। हमें पाकिस्तान के नंबर से जो पहले धमकियां मिल रही थी, उसी प्रकार नंबर बदलकर एक पुलिस की आईडी का फोटो लगाकर हमें धमकियां, हमने सोचा हमारा जो सुरक्षा आगे खड़ी है उनको फोन है, तो उन्होंने तुरंत हमें धमकी दी कि यदि मुकदमा नहीं आपने वापस लिया अभी तक, तो तुम्हें बम से उड़ा देंगे और तुम्हारी आईडियां पुनः हैक कर लेंगे पहले की तरह। तो इस प्रकार की धमकी आई है। आशुतोष पांडे ने अपनी शिकायत में यह भी कहा है कि धमकी देने वाले ने फोन पर उन्हें गालियां दी और हिंदुस्तान के विरोध में नारे लगाए। पुलिस ने भृगुवंशी आशुतोष पांडे की शिकायत के आधार पर मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। राजस्थान के सरकारी स्कूल में धर्मांतरण का आरोप लगा है, ये बड़ी खबर आपको बताएं। शिक्षा मंत्री ने दो शिक्षकों को सस्पेंड भी किया, टीचर फिरोज खान और मिर्जा जाहिद सस्पेंड किए गए हैं। शिक्षिका शबाना के खिलाफ जांच जारी, हिंदू लड़की की टीसी पर इस्लाम लिखने का आरोप लगा है, हिंदू लड़कियों को जबरन नमाज पढ़ाने का भी आरोप लगा है। कोटा जिले के सरकारी स्कूल में एक छात्रा के फॉर्म में उसका धर्म बदल दिया गया, जिसके बाद हंगामा हो गया। पुलिस में मेरी बच्ची पढ़ती थी वहाँ, ये उसका धर्म चेंज कर दिया वो मास्टर ने वहाँ। क्या किया? मुस्लिम धर्म कर दिया उसका। किसमें? फार्म में, खजूरी गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल की एक बालिका की टीसी में उसका नाम हिंदू होने के बावजूद भी इस्लाम लिख दिया गया, वहाँ धर्मांतरण का षड्यंत्र हो रहा है। यही नहीं, दावा है कि स्कूल में छात्रों को जबरन नमाज पढ़ाया जाता है। नाम है बच्चे का हिमांशु। क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पे? वहाँ पे देते हैं नमाज पढ़ाते हैं और कंडा डोरा बनाते नहीं, बांधने के लिए मना करते हैं, तिलक कटाते हैं। एक दिन स्कूल नहीं जाते, बहुत बुरा मारते हैं और यूँ बोलते हैं कि टोपी लगा के आया करो स्कूल में, नहीं तो ना मारूंगा। और क्या कहते हैं? और यूँ कहते हैं नमाज पढ़े करो, नहीं तो है ना मंदिरों में मत जाया करो, मस्जिद में जाया करो नमाज पढ़ने। मामला सामने आने पर शिक्षा मंत्री ने बड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। मैं विस्तृत जांच कराकर इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करूंगा और बर्खास्त करने जैसी स्थिति बनी तो बर्खास्त भी करूंगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि तीनों आरोपी शिक्षकों को बीकानेर हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने को कहा गया है। टीएमसी की दो सदस्यीय टीम संदेश खाली पहुंची, बड़ी खबर। टीएमसी मंत्री सुजीत बोस और पार्थो भौमिक भी वहां पहुंचे हैं। संदेश खाली का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां फरार है, उसकी गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है, लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। संदेश खाली के मुद्दे पर बंगाल में सियासत जारी है। हंगामे के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की 6 सदस्यीय टीम आज दूसरे दिन संदेश खाली पहुंची। एनएचआरसी की टीम वहां पर एक एक घर तक पहुंची और पीड़ित महिलाओं से बात की, पीड़ित महिलाओं से स्थिति और हालात के बारे में जानकारी ली। पीड़ित महिलाओं ने एनएचआरसी की टीम से आपबीती बताई।
संदेश खाली में अब दो गैंगरेप के केस भी दर्ज हो गए हैं। संदेश खाली के आरोपी शेख शाहजहां की गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इसके बावजूद शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त से दूर है, पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। संदेश खाली के मुद्दे पर बीजेपी भी ममता सरकार पर हमलावर है। देखिए, दे आर ट्राइंग टू हाइड समथिंग, ये तो क्लियर है। वो छुपाना चाहते हैं कुछ के जो सामने आने से उनको दिक्कत होगा, इसीलिए किसी को जाना अलाउ नहीं। ओनली टीएमसी जो के लीडर्स हैं वो जा सकते हैं और पुलिस जा सकती है, और पुलिस को देखते ही जनता भड़क जा रही है क्योंकि पुलिस के उपस्थिति में अत्याचार हुआ है। और अपनी मांगों पर अड़े किसान फिलहाल बॉर्डर पर डटे हैं। कल से वो अलग अलग मुद्दों पर आपस में चर्चा भी करेंगे और कैंडल मार्च निकालेंगे। 29 फरवरी से पहले किसान क्या प्लान बनाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट। 29 फरवरी को किसान मजदूर मोर्चा दूसरे गैर राजनीतिक संगठन दिल्ली कूच पर आखिरी फैसला लेंगे। उससे पहले दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन में शहीद हुए लोगों की याद में कैंडल मार्च निकाला जाएगा और WTO की किसान विरोधी नीतियों पर भी चर्चा की जाएगी। 27 को पूरे देश भर से किसान मजदूर मोर्चा SKM गैर राजनीतिक अपने सभी देश के किसान नेताओं की मीटिंग करेंगे। दोनों फोरम अलग अलग, ये सभी वर्तमान परिस्थिति के ऊपर चर्चा करेंगे आगे कैसे बढ़ा जाए। किसान संगठनों ने आंदोलन की वजह से देश को हो रहे आर्थिक नुकसान के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा है कि ये नुकसान पंजाब हरियाणा और दिल्ली में बैरिकेडिंग की वजह से हो रहा है, जिसकी भरपाई खुद सरकार करे। और रास्ते तो बंद खुद सरकार ने अपनी ओर से, केंद्र ने और हरियाणा सरकार ने कर रखे हैं, तो इन रास्तों को खोलना चाहिए। जिस तरह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो इसके बारे में केंद्र को चिंता करनी चाहिए। MSP पर खरीद की कानूनी गारंटी समेत कई मांगों को लेकर किसान पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। राजधानी दिल्ली में अपराधियों के हौसले एक बार फिर से बुलंद नजर आ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली में बदमाशों ने एक युवक को लूटपाट के इरादे से घेरा पहले और उसके बाद चाकू से हमला करके मौत के घाट उतार दिया। रैपिडो के लिए काम करने वाला नरेंद्र बीती रात करीब 12:30 बजे पूर्वी दिल्ली के मधुविहार इलाके से जा रहा था। DCP ऑफिस से कुछ ही दूरी पर चार बदमाश 30 वर्षीय नरेंद्र की बाइक को रोकते हैं और लूटपाट करने लगते हैं। बदमाश जब लूटपाट में कामयाब नहीं हुए तो नरेंद्र पर ताबड़तोड़ चाकू से हमला करने लगे। इस हमले में नरेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। DCP ऑफिस के पास जो पेट्रोल पंप है मैक्स हॉस्पिटल से पहले, वहाँ पे चार बंदों ने उसे घेर लिया, मतलब बाइक पे जा रहा था तो रोका, साइड में रोका, फिर दो जने थे, फिर दो जने और आ गए, तो चारों ने घेर लिया और उस पर मोबाइल वोबाइल छीनने लगे। जब वो मोबाइल वोबाइल नहीं देने लगा तो हाथापाई होने लगी। उन पर कुछ हथियार भी थे, वो हथियार से उस पर 22 से 25 चाकू लगे, पीठ में लगे हैं, हाथों में लगे हैं, 3-4 पेट पे भी लगे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और बदमाशों की तलाश में जुट गई है। और बड़ी खबर है, यूपी के कासगंज में दर्दनाक हादसा हुआ है। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। गंगा स्नान कर लौट रहे थे श्रद्धालु। और ये देखिए घटनास्थल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। श्रद्धालुओं से भरी बस कैसे पलट गई, हादसे का शिकार हुई है ट्रॉली। बताई जा रही है कि टक्कर हो गई थी और उसके बाद ये पलट गई, 15 लोगों की मौत हो गई। और दो कैबिनेट मंत्री घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी और अनूप प्रधान हादसे वाली जगह पर जा रहे हैं। सीएम ने राहत कार्यों में तेजी और उपचार के लिए निर्देश दिए हैं। तो सरकार ने इस पर त्वरित एक्शन लिया जैसे ही ये जानकारी मिली। एक तरफ देखिए दुर्घटना हुई है, बहुत ही दुखद हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 15 लोगों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि 50 लोग इसमें सवार थे, सभी स्नान करके लौट रहे थे। और इधर सीएम योगी ने मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं दो मंत्रियों को। उत्तर प्रदेश के कासगंज में सुबह सुबह बहुत बड़ा हादसा हो गया। श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलट गई, चीख पुकार मच गई। तालाब में ट्रैक्टर पलटने से 15 से अधिक लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 8 महिलाएं शामिल है। 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल के बाहर परिवार वालों का बुरा हाल है।
घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। रेस्क्यू टीम जेसीबी मशीन से तालाब से लोगों को निकालने में जुट गई। घटनास्थल पर कासगंज के डीएम और एसपी मौके पर मौजूद हैं। यह हादसा थाना दरियावगंज के पटियाली मार्ग पर हुआ। सभी श्रद्धालु कादरगंज घाट पर गंगा स्नान करके लौट रहे थे, तभी अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। तो कासगंज हादसा हमने आपको दिखाया कितना दर्दनाक था, और कासगंज हादसा पीड़ितों के लिए मदद का ऐलान भी कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख की मदद का ऐलान कर दिया है। गंभीर रूप से घायलों को 50,000 की सहायता दी जाएगी। तो मदद का सहायता का ऐलान किया गया है सरकार की ओर से। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का ऐलान किया गया है, और गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें 50,000 की सहायता दी जाएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन और मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आज से पूरे महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन की शुरुआत हो गई, और इससे पुणे मुंबई हाईवे पर भी यातायात काफी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मराठा आरक्षण को लेकर आवाज एक बार फिर सड़कों पर बुलंद हुई। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल के समर्थन में झंडे बैनर के साथ लोगों ने सड़क जाम शुरू कर दिया। महाराष्ट्र में रास्ता रोको आंदोलन के तहत कई जगहों पर मराठा आंदोलनकारी बैठे। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं, जो सड़क पर बैठी नजर आई। बीड के पल्ली में मराठा समाज के लोगों ने रास्ता रोका, इस दौरान बच्चे भी शामिल थे। धुले सोलापुर नेशनल हाईवे पर आंदोलनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया, इससे यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि मनोज जारंगे पाटिल ने रास्ता रोको आंदोलन के समय में बदलाव किया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को दिक्कत ना हो। जारंगे ने समर्थकों से आह्वान किया है कि वो सुबह 11 बजे से आंदोलन शुरू करें। दूसरी तरफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारंगे के आंदोलन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आंदोलन करना अधिकार है, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि लोगों को असुविधा ना हो। आपको बता दें कि जारंगे राज्य सरकार से ओबीसी के तहत ही मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े हैं। और महाराष्ट्र से एक बड़ी खबर आ रही है। नागपुर एयरपोर्ट पर 50 लाख का सोना पकड़ा गया है। कपड़े में स्प्रे करके शारजाह से लाया गया था सोना, और आरोपी से 77 लाख के फोन और घड़ी भी जब्त की गई है। देखिए, एक कपड़े में स्प्रे करके शारजाह से ये सोना लाया गया था, जो कि एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। और मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम को बड़ी कामयाबियां मिली है। 72 घंटे में 4 किलो 65 ग्राम सोना जब्त किया है। 2.5 करोड़ की सोने की तस्करी का पर्दाफाश हुआ। ये दो तस्वीरें आप देखिए, एक तरफ किस तरह से सोने को लाया गया, लेकिन कपड़ों में तस्करी की जा रही थी, स्प्रे करके इसको लाया जा रहा था, लेकिन ये कस्टम डिपार्टमेंट ने पकड़ा। वही दूसरी तरफ मुंबई में देखिए कस्टम विभाग की कार्रवाई, और बड़े स्तर पर गोल्ड को रिकवर किया है।